समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता द्वितीयोऽध्यायः नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सद्गुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं, तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योत हैं। सभी तत्वदर्शियों की ये स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्रों श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि सातवें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता द्वितीयोऽध्यायः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वो चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की ये व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के
अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित मिलता है, आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की ये धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः ये चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषदों में सूक्ष्म आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। ये अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। ये योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणुआत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणुआत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणुआत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणुआत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषदों के अनुसार ये अणुआत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणुआत्मा को माप सकने में असमर्थ है अतः उनमें से कुछ ये अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग में उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वो आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त उत्पादन संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्वता को तो स्वीकार करता है किंतु वो ये निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान ये स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः
चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वो शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता द्वितीयोध्यायः अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी ये केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता, अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वो परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वो युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता द्वितीयोध्यायः ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वो केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। ना ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अंधकार हत्या करना निंद है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं।
समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। द्वितीयोऽध्यायः न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु, वो ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वो अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। तात्पर्य, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वो शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वो माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वो भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका ना तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। वो नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वो भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वो किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वो आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि ये दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखाता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुष के कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की ये चेतना परमेश्वर की चेतना से विभिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वो ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्वान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से
आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता द्वितीयोऽध्यायः वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं सपुरुषः पार्थ कं धातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि किसी वस्तु का कहां और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो ये समझना चाहिए कि ये हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझ कर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता द्वितीयोऽध्यायः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्ध अवस्था में होते रहते हैं। वृद्ध अवस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र
दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उनके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीवात्मा प्रकृति शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वो दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, क्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वो कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वो कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वो अपने पितामह तथा गुरु के देहांत पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वो सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर यह धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक युक्ति संगत नहीं है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। द्वितीयोऽध्यायः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य, सारे हथियार, तलवार, अग्नियास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नियास्त्र के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी अग्नियास्त्रों में की जाती है, किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। अग्नियास्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो कि आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है,
चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युक्त सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं, क्योंकि वे सनातन अणु आत्मा हैं। अतः माया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह से भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों के गुण समान होते हैं, वराह पुराण में जीवों को परमात्मा का अभिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वो शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। द्वितीयोऽध्यायः अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयम् सनातनः। ये आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तात्पर्य, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। स्वर्गगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वो जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वो अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो स्वर्गगत शब्द निरर्थक हो जाता है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। द्वितीयोऽध्यायः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है, ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है।
हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता द्वितीयोध्यायः। अथ चैनम नित्यजातम् नित्यं वामन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान ये नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृत्वित्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक शब्द धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण ना था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह
तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था, किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। द्वितीयोऽध्यायः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वो दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो सर्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोक कुल क्यों था, वो विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे नपाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वो अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो सर्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था और यदि वो अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। द्वितीयोऽध्यायः अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है, ये स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वो अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है, शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है, अतः प्रकट होने या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है।
यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वो प्रकट होते हैं, और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें ये सदा स्मरण रखना होगा कि ये शरीर वस्त्र के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। ये स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं, ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्मा साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। द्वितीयोऽध्यायः आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तात्पर्य, चूंकि गीता उपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा एक इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अणुआत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणुआत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाएं। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्र तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि ये तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है, संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वो परमात्मा तथा अणुआत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणुआत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है
तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय ये है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता द्वितीयोऽध्यायः देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरत वंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। ये नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं।